अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल के बिज़ी लाइफ स्केड्यूल में कुछ नई स्किल सीखने के लिए टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। एक आदमी पूरा दिन बिज़ी लाइफ रूटीन की वजह से कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाता। ऐसे में अगर कोई नई स्किल सीखना चाहे भी तो उसको इंस्टीट्यूट में किसी में दाखिला लेना पड़ता है, उसके अलावा वहाँ पर फ़ी वगैरह पे करनी होती है और डेली 2 से 3 घंटे की अटेंडेंस देनी होती है, और इसमें बंदे की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी ज़ाया होती है और बंदा पूरा दिन के कामकाज की वजह से थक जाता है। इसकी वजह से स्टूडेंट और काफ़ी जॉब वाले लोग इस काम में इनिशिएटिव नहीं ले पाते, और कुछ लोग जो ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं वो स्टार्ट तो ले लेते हैं लेकिन 1-2 हफ्ते में ही तंग होकर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनकी फ़ीस और टाइम दोनों वेस्ट हो जाता है। ऐसे में मैं अगर आपको बताऊं कि गूगल कोर्सेज कुछ एजुकेशनल कोर्स बिल्कुल फ्री में घर में बैठे प्रोवाइड कर रहा है और इन दी एंड आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट भी मिलता है तो ये आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा, बट दोस्तों ये पॉसिबल है। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं और इन दी एंड आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको आप अपनी CV वगैरह में भी ऐड कर सकते हैं और उसका एक प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड होता है जो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली ये गूगल के कुछ कोर्सेज हैं जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स की स्किल्स सीखते हैं, तो ये मैं सब आपको डिटेल में बताता हूँ, तो बने रहिए वीडियो के साथ। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं आपको ये सब प्रोसेस करके दिखाऊंगा और आपने इनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गूगल सर्च इंजन ओपन करना है और यहाँ पर आपने गूगल फ्री कोर्सेज टाइप करना है। इसमें जो भी पहली वाली वेबसाइट होगी कोर्सेरा वाली, आपने उसको ओपन कर लेना है। ये साइट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों के रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपको सब्जेक्ट करना हो उस पर आप इनरोलमेंट भी कर सकते हैं ईजिली। इसमें 1-7 दिन का फ्री ट्रायल होता है, उसके बाद $14 per month के हिसाब से आपको चार्जेस होंगे, बट मैं जो आपको मेथड बताने जा रहा हूँ, अगर आप फी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इस मेथड से बिल्कुल फ्री में ये कोर्सेज कर सकते हैं। तो आपने प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पर कोर्सेरा ऐप डाउनलोड कर लेनी है गाइज, क्योंकि वेबसाइट के थ्रू थोड़ा प्रोसेस मुश्किल होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो आप इस ऐप के ज़रिए थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो ऐप डाउनलोड कर लेने के बाद आपने यहाँ पर साइन अप कर लेना है अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। साइन अप का कोई बिल्कुल मुश्किल प्रोसेस नहीं है, आप कुछ स्टेप में ईजिली कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद आपने जहाँ पर जाना है सर्च में, सर्च में जाने के बाद आपने गूगल कोर्सेज टाइप करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि गूगल ने काफ़ी टाइप्स के कोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, ये बिल्कुल 100% ऑनलाइन है और इसमें जेंडर का कोई भी इशू नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आपको किसी डिग्री की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस भी लेवल पे हो, आप हाई स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, आप ये कोर्सेज कर सकते हैं और वर्ल्ड टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज से ये कोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि गूगल ने काफ़ी टाइप्स के कोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, जिनमें से आप कोई सभी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें गूगल UX डिज़ाइन, गूगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाउंडेशंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स, गूगल डेटा एनालिटिक्स है, गूगल IT सपोर्ट है, जैसा कि उसके अलावा प्रोजेक्ट प्लानिंग है, काफ़ी टाइप्स के मीन्स के कोर्सेज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल IT सपोर्ट का है जो कि 100% ऑनलाइन है, फ्लेक्सिबल डेडलाइंस हैं इसकी और ये गूगल की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। इसके अंदर आगे 5 कोर्सेज हैं, उसके अलावा गूगल डेटा एनालिटिक्स है। दोस्तों ये कोर्स 8 कोर्सेज पर मुश्तमिल है, यानी कि 8 प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेंगे और फाइनल में आपको एक कंप्लीट 8 कोर्सेज का मास्टर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद आता है गूगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दोस्तों ये कोर्स भी काफ़ी ज़्यादा लंबा है और 6 कोर्सेज पर मुश्तमिल है। तो चलिए हम फॉर एग्जांपल कर लेते हैं गूगल IT सपोर्ट का। अगर आप कोई और कोर्सेज करना चाहें तो आप इनमें से और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट लेट्स चेक, हम गूगल IT सपोर्ट को सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लिक करेंगे गूगल IT सपोर्ट पर, यहाँ पर हम पहले कोर्स में जाएंगे टेक्निकल सपोर्ट फंडामेंटल्स,
यहाँ पर हम जाएंगे सी कोर्स डिटेल्स में। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये पहला कोर्स है जो कि 100% ऑनलाइन है और बिगिनर लेवल के लिए। इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसके बाद हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग है, सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आपको वीडियोस और उसके अलावा क्विज वगैरह होंगे, होमवर्क होगा जो आपको टाइमली सबमिट करवाना होगा, नहीं तो आपके कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पर आपको एक फाइनेंशियल एड का ऑप्शन मिलेगा, आप उन्हें उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दो बॉक्सेज हैं, इन दोनों में आपने क्लिक कर देना है। उसके अलावा नीचे आपने टाइप करना है सेम टू सेम आई अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, जैसा लिखा हुआ है ऊपर उसी तरह। जब ये आप प्रॉपरली टाइप कर देंगे तो नीचे वाला कंटिन्यू का बटन ब्लू हो जाएगा। ब्लू होने के बाद आपने उस पर क्लिक करना है। आगे आपको जो इंटरफेस नज़र आएगा उसमें आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड लिखना है जो भी है आपका। एनुअल इनकम को आपने ज़ीरो कर देना है। साथ में एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आपने स्टूडेंट लिख देना है और हाउ मच कैन यू पे फॉर फीस, इसमें आपने पर कोर्स कर देना है और साथ में ज़ीरो लिख देना है। व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर फाइनेंशियल एड, दोस्तों यहाँ पर आपने रीज़न देना है। तो इसका मैं आपको एक सोल्यूशन देता हूँ। आपने जाना है गूगल पर, वहाँ पर आपने लिखना है कोर्स एरा फाइनेंशियल एड आंसर्स। आपने यहाँ पर जाना है, आपने यहाँ पर क्यूरा का ऑन कर लेना है। क्यूरा में आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे आंसर्स दिए गए होंगे, हम इनमें से कोई सा भी एक पिक कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो हम ये वाला देखते हैं। तो इसमें पहले क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दिया हुआ है, तो आपने जस्ट जाना है, इस पूरे को आपने कॉपी कर लेना है। उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन है हाउ विल टेकिंग दिस कोर्स विल हेल्प यू टू अचीव योर करियर गोल्स, आपने इस पर जाना है और इसको भी फुल कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपने नीचे जाना है इफ़ यू आंसर नो प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड वाई, आपने इसको भी सारे का सारा कॉपी कर लेना है। दोस्तों ये सब कॉपी करने के बाद आपने जाना है कोर्सेरा में। यहाँ पर आपने पहले वाले जो आपने कॉपी किया हुआ था फर्स्ट वाला, उसको टाइप कर देना है। उसके अलावा यहाँ पर आपने कुछ चेंजेस कर देनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने कंट्री का नेम, उसके अलावा जो कोर्स आप कर रहे हैं उसको आपने एडिट कर देना है, और थोड़ी बहुत चेंजेस जिनमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट लिखा हुआ है वो आपने सेट कर देना है। आपने इसको एक बार पढ़ लेना है ताकि कोई इसमें अगर थोड़ी बहुत गलती हो तो आप उसको सेट कर लें, जैसा कि ये सिटी हो गया, उसके अलावा कोर्स नेम हो गया। अगर आप इसको अपने तौर पर लिखना चाहें तो आप अपने तौर पर भी लिख सकते हैं, बट मैंने आपको सिंपल और इजी वे बताया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है और इतने बंदा खुद टाइप नहीं कर पाता। और नीचे वाले में आपने हाउ विल टेकिंग दिस कोर्स हेल्प यू टू अचीव दिस गोल, इसमें भी आपने वो दूसरे वाला आंसर पेस्ट कर देना है और जो भी इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हों तो वो आपने कर लेनी है। उसके बाद नीचे में वुड यू लाइक टू कंसिडर यूजिंग अ लो इंटरेस्ट लोन टू पे फॉर योर कोर्स, यहाँ पर आपने नो करना है और इसमें आपने वो थर्ड वाला आंसर जो लास्ट में हमने कॉपी किया था वो आपने पेस्ट कर देना है। ये सब प्रोसेस होने के बाद आपने क्लिक करना है आई एम नॉट अ रोबोट, यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस दी जाएंगी, उसमें जो आपको बोला जाएगा वैसे आपने सेलेक्ट करना है और वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है। दोस्तों सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद आप बैक टू कैटलॉग जा सकते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल एड की एप्लीकेशन सबमिट हो गई होगी तो आपको एक ईमेल भी रिसीव हो जाएगी, आपने जस्ट जीमेल में जाकर अपनी ईमेल्स चेक कर लेनी है। अब जैसा कि आप चेक कर सकते हैं कि फाइनेंशियल एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है।
नॉर्मली 15 दिन के बाद आपको रिप्लाई कर देते हैं और आपकी फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाती है। ये यहाँ पर आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं, ये आपको डेज भी बता देंगे कि आपकी किस डे को रिस्पॉन्स आएगा। तो चलिए देखते हैं 15 दिन के बाद। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 15 दिन बीत चुके हैं और मेरी फाइनेंशियल एड की एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो चुकी है और हम इस कोर्स को अब ईजिली कर सकते हैं। दोस्तों इस कोर्स को ख़त्म करने के बाद आप इसको अपनी CV में पुट कर सकते हैं। उसके अलावा आप जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करने के लिए इसको एज आ स्किल अपनी साबित कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर ऑनलाइन अर्निंग करनी है, ख़ुद से काम करना है, तो आप घर में बैठकर भी काम कर सकते हैं और अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जैसा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, SEO कोर्सेज, उसके अलावा 3D एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, कई सारी स्किल्स हैं जिससे फाइवर और अपवर्क वगैरह पर लोग काम कर रहे हैं और एक एक प्रोजेक्ट के अच्छे खासे चार्ज कर रहे हैं। दोस्तों आप भी ऐसा काम करके बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं और आपको घर वालों से पैसे वगैरह लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ नया सीखिए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि लाइफ इम्प्रूवमेंट का ही नाम है। तो मिलते हैं नई वीडियो में इंशाल्लाह, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा।